क्या लिखा है उसमें? कहाँ से? अच्छा, क्या करोगे इसका? कहाँ से लिखा हो? अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहती, एक वहाँ जाओ, एक एक पत्ते पकड़ा दे, मैं आ जाओ घर पर, जाओ यहाँ से, आ जाओ यहाँ, ना खाना क्या करें, डंडे और मारे वहाँ खेत में से ले आएगी। क्या करोगे इसका? कूट के खाएंगे जी। है कूट के खाएंगे जी सर। खाना मिल, खाना नहीं मिल रहा सरकार? खाना नहीं मिल रहा जी, सरकार तो दे रही है। कहाँ दे रही है? थोड़ी दे रहा है, कुछ मिल रहा है, किसी को मिल जाए, किसी को ना मिले, थोड़ी बहुत मिले। क्या नाम है? मनोहर नाम है, बिहार का रहने वाला हूँ, सहरसा जिले का। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है, यहाँ फंसे हैं, खाना वाना उतना ढंग से मिल नहीं रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे हो गया है 9 महीना। आज मैं यहाँ बात करता हूँ बच्चे से तो ना, तो बच्चे मुझे पहचानते ना, मैं पहचानता हूँ उसे बच्चे को। अभी हो गया इतना दिन, मैं सोचा गाँव जाऊंगा, इतने मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, और ये गेहूँ चुन चुन करके और भूंज करके दिखाओ और जो खा रहा हूँ, देखिए सर, देखिए आपके सामने, ये देखिए, और इसके सामने देखिए, देखिए सारे इसको पीसना पड़ता है और खाते हैं। तो उसको सरकार खाना नहीं दे रही जी? खाना दे रहा है, कभी दे रहा है, कभी नहीं खाने दे रहा है। जब वहाँ नंबर में जाते हैं, एक डब्बा मिलता है सर, बताओ। हम जो है चावल ज्यादा खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी से पेट नहीं भरता, इतना सा देता है और बोलता है इतने दोबारा मत आना, बोला तो दोबारा देख लिया तो तुम्हारा हाल बुरा कर देंगे। तो हमने क्या बताया, अब दोबारा हम बोले दो डब्बा दे दो सुबह, दो डब्बा शाम को, जो हमारा पेट भर जाए। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या यह है यही सर, जो अब जो है जल्दी जल्दी समस्या का समाधान करें, हम लोग का ट्रेन खोल दे, घर जाएंगे, बीवी बच्चा से अपने परिवार से मिलेंगे। कभी कभी सुबह जब जगते, सो करके जगते हैं तो ऐसा लगता है, रोने का मन कर देता है, बच्चे की याद आता है, बीवी की याद आता है, क्या करें, रोना आ जाता है, क्या करें। सुनीता, कहाँ के रहने वाले? हमीरपुर। क्या कर रहे हैं? गेहूँ चुग रहे हैं। किस लिए? खाने के लिए चुग रहे हैं। एक एक दाना मिल रहा है खाना, क्या हम खा लें कि बच्चे खा लें? समस्या क्या है? क्या समस्या? खाना दो नहीं हमें घर पहुँचाओ। का एक दो ना मिले, दो दिन आधार कार्ड में खाना मिला, एक के बाद कुछ ना मिला, और पुलिस भगाती अलग से। तो फिर इसका क्या करते हैं? खाते हैं, कुचर कुचर खाते हैं इसका पीस के, और उबेल लेते हैं कहीं। परेशानी ज़्यादा है, बस खाने का मिले तो कोई परेशानी है, ना पैसे हैं, काम रुक रहा है, सारा काम रुक रहा है, न पैसे भी हैं कि पैसे हों तो कुछ खाने के लिए ले लें। अनु नाम है हमारा। क्या करती है? यह कह रहा चुप के खा रहे हो, कह कर रहा कुछ मिलना ही रहा खाने के लिए, और क्या देता है, थोड़ी थोड़ी दे देते, बच्चे कितने हैं, 5-6 बच्चे हैं, क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दे अब दे रहा है तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दे रहा है, एक एक दो ना दे रहा है, वो बोलते हटो हटो, इतना नहीं मिलेगा कुछ, ये बच्चन को भगा देते हैं लाइन में लगा के, अरे बच्चन को नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे क्या खाएंगे सर, तुम बताओ। अब क्या दिक्कत आई? कुछ भी लो नहीं है घर में, क्या खाएंगे? नहीं तो हमको भेजो, गांव भेजो, छतरपुर की MP में समस्या आ रही है। हाँ, बहुत समस्या आ रही हम पे तो, ना हमको पुलिस परेशान कर रही, कैसे जाएंगे गाँव बताओ। सबसे ज्यादा समस्या और का है? किस चीज की? खाने पीने की है, पैसे टका नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में, क्या खाएं, काम लग नहीं रहा, और बच्चे हमारे 5-6 क्या खिलाएंगे? राजा जी, राजा कुंडा में। यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बाली छुप रहे हैं। क्यों? खाने के लिए ना जी, अब 1 महीना हो गया हमको, अभी हम होली के बाद में आए हैं, जैसे 2 दिन काम करा, लॉकडाउन लग गया,
तो जो था उठा करके जो जब तक दुकानदारों ने दिया हमको खाने को, जब तक तुमने लिया, अब उन्होंने भी मना कर दिया। थाने में भी खाना लेने जाते हैं, एक दोना पकड़ा देते हैं, और चार चार बालक हैं, बताओ क्या खाएं। एक दोना में चावल में 100 ग्राम चावल में हमारा पेट भर जाएगा जी। या तो हमारी घर जाने की व्यवस्था कर दो, और या फिर हमारा खाने की व्यवस्था कर दो। कितने दिन हो गए? हमें 1 महीना में हो गया हमें। हाँ, हम 21 तारीख को आए हैं, 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया। तो मतलब सरकार तो खाने वाले को खाना दे रहा है? खाने वाले खाना क्या दे रहा है जी, एक दोना चावल दे रहे हैं, उसमें 100 ग्राम चावल आ गए। आदमी हम 7, दोना दे रहे हैं एक, तो एक दोने से हमारा पेट भर रहा है। छोटे छोटे बालकों को लेके जाओ तो बालकों को क्यों ला रहे हो? दोबारा पेट ना भरा, दोबारा लेने जा रहे तो फिर मना कर दे, हाँ भाई तुम दोबारा कैसे आया? पब्लिक बहुत है, खाना कम है, इतनी खाना है। कम से कम 150 आदमी हमारे यहाँ का जी। कहाँ के? सब हमीरपुर जिले के हैं, महोबा जिले के हैं, छतरपुर जिले के हैं। दिखाओ, किस लिए ले रहे हो? खाने पीने। खाना नहीं मिल रहा? तुम मिल रहा है एक डब्बे खाने, दो डब्बे एक डब्बे मिल रहा। अच्छा, तो पेट नहीं भर रहा? ना भर रहा। कितने लोग? हम 2 लोग। तो सरकार थाने से तो खाना आ रहा? खाने पे अब 2 डब्बा चार है और एक मिल रहा। कहाँ के रहने वाले? झांसी के, मऊरानी को आवे झांसी। अब परेशानी हो रही है? परेशानी है, जब काम ना चल रहा है, खाने पीने को ना मिल रहा है, तो परेशानी है। आज जहाँ से हूँ वहाँ भेजाया जाए हमको बस। ऐसी हालत हो गई है, अब पता नहीं हमारी फरियाद कब तक हमारी सारे का फरियाद सुनेगा माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग का समस्या का समाधान करेगा। ये उम्मीद लेकर के जब सो करके जागते तो ये उम्मीद रहती है सुबह का सूरज क्या खबर लेकर आएगा हम लोग के, ऐसी जो हम लोग का समस्या का समाधान हो सके। बड़ी समस्या आ रही है, समस्या सर आ रहे ऐसे क्या करे, होने आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है आँख में आंसू खत्म हो गई है।